ये लाइन लगी हुई है माँ के दर्शन के लिए चारों तरफ से। नर्मदे हर माई की जय हो, चिंता हो ना भय हो। आज तीर्थराज अमरकंटक पावन भूमि से आज मैं आप सभी देशवासियों को इस महापर्व और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर देशवासियों को क्या मैं विश्व स्तर पर बधाई देता हूँ, और चूंकि इसलिए बधाई देता हूँ कि विश्व को पालने वाली माँ नर्मदा है, विश्व को चलाने वाली माँ नर्मदा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज शनि प्रदोष है, और यह प्रदोष जो आज हमको पावन पर्व पर मिल रहा है शिवरात्रि के, यह इस पावन पर्व पे जो आपको मिला है 150 वर्ष बाद आज इस अवसर का हम लाभ ले रहे हैं, तो इसी अवसर का पुण्य लाभ आप समस्त देशवासी आज यहां से लीजिए। नर्मदे हर माई की जय हो। नर्मदे हर माई की जय हो। आज हम इस महापर्व महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर तीर्थराज अमरकंटक में अभी हम आपको दर्शन कराते हैं राम जानकी मंदिर के पुजारी, और उनके दर्शन करके आप पूरी सेना यहाँ विराजमान है, राम जी की सेना, और उनके सेवा में हमारे पुजारी जी उनके दो शब्द आज हम आप सबसे साझा करेंगे आशीर्वचन। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नर्मदे हर जय हो। आपकी देवता सब प्रकार की बाधाओं से उनकी रक्षा करे और उन पर अपनी कृपा छाया सदैव बरसाती रहे। इसी कामना के साथ माँ नर्मदा जी से मेरी प्रार्थना है भक्तजनों को और हमारे सभी परिवारजनों को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे श्री धर्म भैया जी का ये कामनाओं को पूर्ण करें। बड़े उत्सुकता पूर्वक माँ नर्मदा जी के दर्शन प्रसन्न के साथ माँ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माँ नर्मदा इनकी कामनाओं को पूर्ण करे और प्रसन्न चित होकर के अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। इसी के साथ माँ नर्मदा जी की शुभ स्तुति के रूप में मैं माँ नर्मदा जी का ध्यान मंत्र करना चाहता हूँ। जय हो रवि महाराज, जय हो रवि महाराज। और इसी क्रम में मैं आप सबसे भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि जगत का कल्याण करे माँ और सबका बढ़िया मनोकामना पूर्ण करे। चाहिए चलिए अब हम आपको बढ़ाते हैं माई नर्मदा के। ये आप सब दर्शन करिए यहाँ से। और ये बबलू महाराज हैं हमारे बीच में, और इनसे हम दो शब्द ये महादेव के दर्शन करिए अमरकंटेश्वर महाराज के। और इसी क्रम में मैं आपको यहाँ के पुजारी बबलू महाराज से दो शब्द आशीर्वचन के रूप में मैं लूंगा। नर्मदे हर गाय नित्य महेशम चार चंद्रावतंसम रत्नाकलपुज्ज्वलांगम परस्मिभुराम इत्यत्र प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तमर्गणे व्याघ्रिके दिम्बसानम विश्वाद्यम विश्वीजम निखिल भैरम पंचवस्त्रम तीर्थम। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं पुजारी परिवार की तरफ से। नर्मदे हर बबलू महाराज का। और इसी क्रम में मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आगे यहाँ से गर्भगृह के अंदर का कुंड का दर्शन लाभ कराता हूँ। आप सभी भक्तगण यहाँ से दर्शन लाभ कुंड का। यह कुंड एक अलग ही अलौकिक माँ नर्मदा का उद्गम स्थली है, और यहाँ से आप सब दर्शन लाभ लीजिए। और इसी क्रम में मैं सभी देशवासियों को विश्व स्तर पे आज के इस पावन पर्व महाशिवरात्रि के, जो कि 150 साल के इस समय में हम सामना कर रहे हैं, और जो मिला हुआ है इस पर्व पे, इसका अवसर लाभ ले, क्योंकि यह 150 वर्ष के अवसर में हमको जो आज का दिन मिला है, यह कि प्रदोष साथ में इस महाशिवरात्रि में आज प्रदोष का भी दिन है। तो चलिए हम सब मिलके माँ नर्मदा और शिव भोले बाबा का ध्यान करें। नर्मदे हर। आइए अब हम सब मिलके माँ नर्मदा के इस पावन भूमि में उद्गम स्थली पे माँ नर्मदा के दर्शन करें।
ये हम मुख्य उद्गम में पहुंचे हैं और ये माँ नर्मदा के दर्शन लाभ आप सब लीजिए। नर्मदे हर आइए, इस कुंड की ओर हम चलते हैं और कुंड में हम आपको सबको दर्शन लाभ कराते हैं।